आप आ गए युवराज। मुझे लगा आप मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। कौन कहता है कि हम तुम्हें ढूंढेंगे? हम तो खुद को ढूंढ रहे हैं। तुम नहीं होती तो हम। आखिर वो घड़ी आ गई जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। अब हम हमेशा साथ रहेंगे ना युवराज? हमने किस्मत को हरा दिया युवराज, किस्मत को हरा दिया। हाँ, हमने किस्मत को हरा दिया। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। दिलो जान से बात उसके लिए अपनी जान दे भी सकता हूं और किसी की भी जान ले सकता हूं। दिल को तुम छू रही हो उसमें अब कोई धड़कन नहीं। जिस दिल में मेरे लिए प्यार बसता है वो मेरे लिए जिंदा है और मेरे लिए इतना काफी है युवराज। क्रिया के बाद ना दिल है, ना धड़कन, ना आत्मा। हम कभी इंसान नहीं बन पाएंगे। एक तुम हो जो हमसे प्यार करते, बाकी पूरी दुनिया नफरत करती है हमसे। मेहमान समझती है हमें। मुझे पूरी दुनिया की चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं। मैं आपसे प्यार करती हूँ युवराज, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एक बार सोच लो, यह जिंदगी जीने का मौका है। आपके बिना मैं जिंदगी का क्या करूंगी युवराज? आपके बिना मेरी कोई जिंदगी ही नहीं। आपसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी एक सवाल थी जिसका मैं बरसों से जवाब ढूंढ रही थी। मैं अपने मंजिल के इतने करीब हूं तो मुझे दूर जाने को मत कहिए युवराज। थक गई हूं मैं, आपके साथ रहना चाहती हूँ, बस आपके साथ रहना चाहती हूँ युवराज। तुम्हारे और हमारे बीच तुम्हारी सांसों की कड़ियां हैं, उन्हें तोड़ना होगा। आप मेरी जिंदगी है, आप मेरा प्यार है, तोड़ दोगे? हमने तुमसे कहा था प्रियंका हमारी थी, प्रियंका हमारी है, प्रियंका हमारी है। प्रियंका, मैं तुम्हें उन अंधेरों में नहीं भटकने दूंगा। युवराज, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। वो प्रियंका को उठा कर ले गया। जानती हूँ। मुझे प्रियंका को बचाने जाना है किसी भी कीमत पर। वो लाल शीशे में जो दवाई है प्रियंका को पिलाओ तो उसकी जान बच सकेगी। और युवराज, उसकी जान कैसे ले सकता हूं मैं? वो चांदी के गोले उस पर बरसाओगे तो कुछ पलों के लिए वो जख्मी होकर रुक जाएगा, पर उसे हमेशा के लिए मारने के लिए वो शस्त्र उसके सीने में भोंकना होगा। लेकिन युवराज प्रियंका को लेकर कहां पर छुपा है?
100 किलोमीटर दूर उमरगांव के पास एक पुराना खंडहर है, सदियों पहले चुड़ैलों और पिशाचिनों का डेरा हुआ करता था। युवराज प्रियंका को वहीं लेकर गया है। आज अमावस की रात मध्य रात्रि होते ही युवराज अपने प्रेमिका के सीने में खंजर भोंक कर अपने जैसी बनाने की क्रिया शुरू कर देगा। अगर तुम उसे मार सके तो तुम्हारी प्रियंका बच सकती है, और अगर तुम नाकामयाब रहे तो इस दुनिया में मौत का कहर फैलेगा। मुझे अब चलना होगा। हाँ, आपसे एक बात और पूछनी थी। हे माला, मेरे जीते जी मेरे किसी काम की नहीं, और मेरे मरने के बाद किसी और के काम की नहीं। देखिए आप गलत समझ रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप प्रियंका जी को सुलाने जा रहे हैं, मुझे भी साथ ले चलिए, मैं आपके काम आ सकता हूं। तुम मेरे काम आओगे? तुम तो उस युवराज के वफादार हो। साहब जी ने मुझे अपने कैद से आजाद कर दिया है, अब मैं उनका गुलाम नहीं हूं। देखिए प्रियंका जी बहुत अच्छी है, मुझे भी साथ ले चलिए। जल्द संपन्न करनी होगी। साहब जी, हाँ, ये बदबू कैसी आ रही है? मौत की। इस जगह पर प्राचीन भूत और पिशाच बसते हैं, जो भी इंसान यहां पर आने की कोशिश करता है उसे जान से मार देते हैं। घबराओ मत, इसमें चांदी की गोलियां हैं जिन्हें उन पर फेंक कर तुम्हारे जान से मार सकते हैं।
खंजर तुम्हारे दिल को चीर कर जिंदगी और मौत के इस खेल से तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर देगा और फिर तुम हमसे आकर मिल जाओगी। तुम, हम और हमारी दुनिया और कोई नहीं, और कोई नहीं। चलो प्रियंका, मैं तुम्हें यहां से लेने आया। अर्जुन तुम चले जाओ यहां से। तुम चाहते क्या हो? सचमुच मरना चाहते हो? वो तो वक्त ही बताएगा युवराज कि मौत किसकी होती है। युवराज, चलो प्रियंका, चलो यहां से, चलो ना प्रियंका, चलो चलो प्रियंका, चलो प्रियंका, अर्जुन, अर्जुन छोड़ो मुझे। नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है प्रियंका, ये देखो वो तांत्रिका मरते मरते तुम्हें जिंदगी दे गई है। इसे पीकर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, जी सकोगी फिर से। मैंने ये जिंदगी स्वीकार कर ली तो मेरे युवराज का क्या होगा? नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी, नहीं जीना है मुझे युवराज के बिना। तुम एक शैतान को बचाने जा रही हो अपने प्राणों की आहुति देकर। युवराज एक शैतान नहीं है अर्जुन, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। वो एक इंसान है, इंसान। वो सिर्फ एक श्राप से पीड़ित है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आज एक प्रेत को नया जीवन देकर दुनिया के किसी अनजान कोने में जाकर छुप जाओगी और किसी को पता नहीं चलेगा? वो दिन दूर नहीं है जब युवराज के अंदर छुपा हुआ वो भेड़िया फिर से बाहर निकलेगा और निकल पड़ेगा एक नए शिकार की खोज में। नहीं साहब जी, मैं आपको प्रियंका जी की जान लेने नहीं दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस सबसे अछूती रहोगी? नहीं प्रियंका, नहीं। मौत का वो साया तुम्हारे कदमों के नीचे ही पलेगा, क्योंकि आज के बाद तुम में और उस खूंखार भेड़िए में कोई फर्क नहीं होगा। अगर तुम वाकई में युवराज से प्यार करती हो तो उसे आजाद कर दो। मन पक्का करो और युवराज को मुक्ति दे दो इस श्रापित जीवन से। शाबाश। प्लीज प्रियंका, नहीं तो बहुत तबाही होगी। हमारे साथ ही लाइन सफरी कर रही है क्यों? हमने तुम्हारी जान बख्शी थी, तुम हमारे साथ ये करोगे? राज, वो मुझे बुला रहे। प्रियंका, ठीक हो गए। तुम हमें छोड़ के चली जाओगी? युवराज, डमरू, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं यहां चुप कर बैठा था साहब जी, ताकि सही वक्त आने पर मैं तुम्हारा एक और दोस्त कम हो गया। अब तुम्हारी बारी है युवराज। हर बार नहीं,
आपको मार लूंगी। सॉरी। नहीं 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 नहीं, नहीं। नहीं, 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 नहीं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था युवराज। मौत का सिलसिला और बेचैन जिंदगी का सिलसिला कहीं तो खत्म करना था। मैंने खत्म कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ आपसे प्यार किया। आपसे बढ़ क्या किसी चीज को नहीं चाहा युवराज। तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हारा समय भी खत्म हो गया है युवराज। प्रेम कहानी का कैसा अनोखा अंत है ये। जिंदगी तो तुम्हारे प्यार को नहीं मिला सकी, लेकिन मौत ने आज तुम्हारे युग युगांतर के प्यार को हमेशा हमेशा के लिए मिला दिया।